सनसनी ऑफ इंडिया। थाना पुल प्रहलादपुर पुलिस ने डमी पिस्टल दिखाकर टोल बूथ कर्मी से लूटपाट करने वाले दो ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो शॉर्टकट रास्ते से अमीर बनने की योजना बना रहे थे। आरोपियों की पहचान तुगलकाबाद निवासी 27 वर्षीय आकर्षण उर्फ टिंकल और बदरपुर निवासी 23 वर्षीय मोहित ओझा के रूप में हुई। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक डमी पिस्टल और लूटे गए 2,990 रुपए बरामद किए गए हैं। दोनों हैबिटुअल क्रिमिनल हैं और दोनों की लंबी क्राइम हिस्ट्री है। दक्षिण पूर्व जिला DCP ऐशा पांडेय ने बताया कि दिनांक 4-5 जनवरी 2022 की दरमियानी रात को थाना पुल प्रहलादपुर में शिकायतकर्ता अमन गुप्ता ने बंदूक की नोक पर उसके साथ लूटपाट होने की शिकायत दी थी। पीड़ित ने बताया कि चुंगी नंबर 2 लाल कुआं पुल प्रहलादपुर में वो टोल बूथ पर काम करता है। ड्यूटी के दौरान टोल बूथ के नजदीक बने पब्लिक टॉयलेट से फ्रेश होकर लौटने लगा, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्ति आए और पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर उससे 5,000 लूट लिए। पीड़ित के शोर मचाने पर नजदीक बने पुलिस बूथ से पुलिस स्टाफ और अन्य लोगों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश भागने में कामयाब रहे। पीड़ित की शिकायत पर थाना पुल प्रहलादपुर में FIR संख्या 19/22 अंडर सेक्शन 392/34 के तहत मामला दर्ज किया गया। लूट की इस वारदात ने थाना पुल प्रहलादपुर पुलिस स्टाफ की नींद उड़ा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुल प्रहलादपुर थाना प्रभारी रामनिवास भाटी ने बदमाशों को दबोचने के लिए अपने नेतृत्व में SI दीपक, SI कुम्हे और कांस्टेबल कुलदीप की एक टीम बनाई। टीम ने सबसे पहले वारदात स्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाला। जांच टीम को एक CCTV फुटेज में वारदात को अंजाम देते दोनों बदमाश दिखाई तो दिए, लेकिन वारदात स्थल के आसपास अंधेरा होने की वजह से बदमाश भागने में कामयाब रहे। जांच टीम ने इलाके में मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। दिनांक 5-6 जनवरी 2022 की दरमियानी रात को टीम काया माया पिकेट पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। देर रात 12:05 पर टीम ने देखा कि मोटरसाइकिल सवार पर दो व्यक्तियों ने पिकेट चेकिंग देखकर एक तेज यू टर्न लेने की कोशिश की। शक होने पर पुलिस कर्मियों ने उनका पीछा किया और उन्हें काबू कर लिया। तलाशी लेने पर पीछे बैठे व्यक्ति के पास एक डमी पिस्टल मिली। कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने टोल बूथ स्टाफ को लूटने की बात कबूल कर ली। आरोपियों के पास से लूटे हुए 5,000 रुपयों में से 2,990 रुपए बरामद हो गए। बाकी पैसे आरोपियों ने खर्च कर दिए थे। इसके अलावा आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल और एक डमी पिस्टल भी बरामद हुई। आरोपियों की पहचान तुगलकाबाद निवासी 27 वर्षीय आकर्षण उर्फ टिंकल और बदरपुर निवासी 23 वर्षीय मोहित ओझा के रूप में हुई। पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने बताया कि कोई काम धंधा न होने की वजह से उनके पास हमेशा पैसे की तंगी रहती थी। शराब और ड्रग्स की लत की वजह से कम समय में जल्दी पैसा कमाने के लिए अपराध करना शुरू कर दिया। गिरफ्तार किया गया 27 वर्षीय तुगलकाबाद निवासी आकर्षण उर्फ टिंकल ने 6 कक्षा तक पढ़ाई की है। वो बेरोजगार है। वो पहले डकैती और चोरी के 25 मामलों में शामिल रहा है। दूसरा आरोपी 23 वर्षीय बदरपुर निवासी मोहित ने 4 कक्षा तक पढ़ाई की है। वो बेरोजगार है। वो पहले आबकारी अधिनियम के 2 मामलों में शामिल है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।